हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टैक्स इन जैसा कि हमें पता है, एक होता है जिसको एक सप्लायर इशू करता है टैक्स इन वॉयस एक्ट एज एन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ एज ऑल्सो दोर्शन इन द सेम यहाँ पे जब भी एक सप्लायर एक रिसिपियंट को टैक्स एंड वॉइस इश्यू करता है तो ये दो पार्टीज को आइडेंटिफाई करता है पहला कि इसमें सप्लायर इन्वॉल्व है और दूसरा एक रिसिपियंट इन्वॉल्व है प्लस ये ऑल्सो बताता है कि गुड्स या सर्विसेज़ कौन सी दी गई है दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है ये भी डिस्क्राइब करता है कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी गई है या फिर डेट ऑन विच गुड्स आर सोल्ड मीन कौन सी डेट को गुड्स या सर्विसेस भेजी गई है गुड्स और सर्विसेज डिस्काउंट पे दी गई है या नहीं अगर डिस्काउंट पे दी गई है तो वो भी मैं प्लस डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विल ऑल्सो भी मैं यहाँ पर टेक्स इनवाइस एक ट्रांसपेरेंसी का काम करता है जो हरेक टेक्सेबल पर्सन के लिए एक प्री रिक्वेस्टेड है टैक्स इन हमारी जीएसटी ने एक मैंडेटरी चीज कर रखी है दैट मीन्स इट इज मैंडेटरी टू इश्यू एन इन और बिल ऑफ सप्लाई दैट मीन्स यहाँ पे सप्लायर या तो इन वॉइस इशू करेगा या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा विद एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मीन्स हर एक सप्लाई पे आपका या तो टैक्स इन इशू होगा या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा अगर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसकी ड्यूटी है या तो वो टैक्स इशू करे या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करे टैक्स और बिल ऑफ सप्लाई का डिफरेंस हम अभी फ्यूचर वीडियोस में सीखेंगे टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई दैट मीन्स कि हमें इन वॉइस कब इशू करनी है वो डिपेंड करता है नेचर पे विच मींस दैट इफ गुड्स आर सप्लाइड इट हैज अ डिफरेंट नेचर सो देर आर डिफरेंट रूल्स फॉर इशूंग टेक्स इन वॉयस इन केस ऑफ गुड्स एंड इफ इट इज सर्विसेज इट इज अप्लाई ऑफ सर्विस दैन देर आर डिफरेंट रूल्स सो अगेन दाइम डिपेंड्स वेदर यू आर इशूंग इशूंग गुड्स और यू आर इशूंग सर्विसेस अगर एक रजिस्टर्ड सप्लायर एक रजिस्टर्ड रिसीपिएंट को गुड्स बेच रहा है तो उसे टैक्स इन्वाइस इशू करनी है अगर वो टैक्स इन्वाइस इशू नहीं करता देन रिसिपियंट के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि उसने ये गुड्स किस सप्लायर से खरीदे हैं और रिसिपियंट इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड रिसिपियंट के लिए इन टैक्स इनवाइस का होना बहुत जरूरी है जब तक उसके पास टैक्स इनवाइस नहीं होगी वो अपना आई टी सी क्लेम नहीं कर सकता

उसे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा विच मीन कि अगर आपको आई क्लेम करना है तो यू शुड बी हैविंग द पोजेशन ऑफ टैक्स एंड सेकेंड इज इट एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कि हमें सप्लाई कब करनी है चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेस हो उसका टैक्स इन एक इंडिकेटर है दैट दीन्स टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स इन पे डिपेंडेंट है कि जिस दिन आप टैक्स एंड वॉइस इश्यू कर रहे हो उसी के बेसिस पे हम टाइम ऑफ सप्लाई भी डिसाइड करेंगे टैक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है पहला टैक्स एंड वॉइस होता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस मींस अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो उसके टैक्स एंड वॉयस की कंडीशन रूल्स डिफरेंट है सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उसके टैक्स एंड वॉइस के रूल्स डिफरेंट है सेकेंड आता है आपका स्पेशल केसेस कुछ स्पेशल केसेस में भी हमारे पास टैक्स एंड वॉइस इशू होती है अब हम इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स एंड वॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन थर्टी वन सप्लाई ऑफ गुड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पहला है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स यहाँ पे वो कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन या तो एक रजिस्टर्ड रिसिपियंट को या फिर अनरजिस्टर्ड रिस को टैक्सेबल गुड सप्लाई करेगा तो उसकी कंडीशन क्या है अगर यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन नॉन टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है तो उसको हम सेक्शन 31 में डिस्कस नहीं करेंगे सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स जो कंटिन्यूस बेसिस और रेकरिंग बेसिस पर अवेलेबल होते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो वायर के थ्रू जाए केबल के थ्रू जाए पाइपलाइन के थ्रू हो या ना हो इसके लिए सप्लायर रिसिपियट को रेगुलर बेसिस पर और पीरियडिकल बेसिस पर टेक्स इनवाइस इश्यू करता है नेक्स्ट आता है हमारा गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस यहां परिटर्न तो कर लेगा या फिर सप्लायर गुड्स पहले अप्रूव करने को देता है और अगर रिसिपियन को गुड्स पसंद आ जाते हैं तो फिर वो आगे फर्दर सप्लाई करता है तो हम टेक्स इनवॉल्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स में ये तीन कंडीशन पड़ेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है अगेन इसमें दो टाइप्स के होते हैं पहला वेर सप्लाई इनवॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है कि जब सप्लायर के पास से गुड्स रिमूव होके रिसिपियंट के घर पे ऑफिस पे या जहां पर भी रिसिपियंट जाता है वहां पर गुड्स को भेजा जा रहा है अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका टैक्स इन्वाइस इश्यू होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसपियंट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो मिस्टर ए रजिस्टर्ड है दिल्ली में और उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है मिस्टर भी उसके शॉप पे आता है और रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर देता है और साथ में ये भी बोलता है कि रेफ्रिजरेटर उसके घर पे आप भिजवा दो so यहाँ पे सप्लायर के घर पे रेफ्रिजरेटर भिजवा रहा है सो इट मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स रेफ्रिजरेटर रिसिपियंट की शॉप से या गोडाउन से रिमूव होके अब रिसिपिय के घर पे जा रहा है तो so यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो इस केस में हमारी टैक्स एंड इशू होगी आइदर बिफोर जब भी उसने ऑर्डर दिया या तो हम उस टाइम पे इन इशू कर सकते हैं या फिर जिस टाइम पे गोडाउन से या शोरूम से या शॉप से आपका रेफ्रिजरेटर रिमूव हो रहा है आप उस टाइम पे भी टैक्स एंड इशू कर सकते हो नेक्स्ट है इन एनी अदर केस दैट मीन्स अगर रिमूवल ऑफ गुड्स का मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस नहीं है तो आपका सेकंड केस है तो यहाँ पे बिफोर और एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ़ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू यहाँ पे हम एक्सैंपल लेते हैं सपोज मिस्टर ए जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसका दिल्ली में कारमेंट्स का एक शोरूम है वहां पर कस्टमर आता है और शोरूम पे गारमेंट्स खरीद के चला जाता है तो जब भी आप गारमेंट्स खरीदते हो तो आपको उसी टाइम पे इन भी इश्यू किया जाता है तो हमारी कंडीशन हो गई इन एनी अदर केस दैट मीन्स हम एक केस ले लेते हैं डिलीवरी का बिफोर और एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ़ गुड्स जब भी आप शॉप पे जाते हो आपको उसी टाइम पे इन मिलता है जब आपको डिलीवरी दी जाती है नेक्स्ट है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स जैसा कि हमने अभी मीनिंग समझा है कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब है गुड्स जो कंटिन्यूस बेसिस पे और रेकरिंग बेसिस पर अवेलेबल होते हैं चाहे वो वायर के थ्रू हो केबल के थ्रू हो पाइपलाइन के थ्रू हो या ना हो यहाँ पर हमारे तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वे सक्सेसिव पेमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व दैट मीन्स कि जब भी आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आप अपने स्टेटमेंट्स में कंटिन्यूसली उन्हें रिकॉर्ड करते हो और जब भी आप रिस को गुड सप्लाई करते हो रिसंट भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पे पेमेंट देता है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन द इनवॉइस शेल बी इशूड बिफोर विच मींस कि जब भी आप अपने बुक्स में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो या तो आप उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो सेकंड और एट टाइम ईच स्टेटमेंट इशू जिस टाइम पे आप अपने बुक्स में स्टेटमेंट इशू कर रहे हो तो आप उस टाइम पे भी टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो और एज द केस ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड या फिर जब आपको पेमेंट मिल रही है जिस टाइम पे आप उस टाइम पे भी टैक्स एंड वॉइस इशू कर सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए पहला बिफोर द स्टेटमेंट आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले टैक्स एंड वॉइस इश्यू करा दूसरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पर आपने टैक्स एंड वॉइस इश्यू करा और तीसरा जब आपको पेमेंट मिली आपने तब टैक्स एंड वॉइस इशू करा यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो एच हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड अपने होलसेलर को कंटिन्यूस बेसिस पे सोप सप्लाई कर रही है तो जब भी वो होलसेलर को कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई कर रही है तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी कि कब उसने अपने होलसेलर को सोप सप्लाई करे तो पहली बात कि जब उसने सोप सोप सप्लाई करे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करे या तो वो उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकती है या फिर जब होलसेलर ने हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड को सोप्स का ऑर्डर दिया वो अपने बुक्स में तब टैक्स इश्यू कर सकती है या फिर जब होलसेलर एच को पेमेंट कर रहा है वो उस टाइम पे भी टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकती है नेक्स्ट है हमारा गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप इन का इशू इश्यू कर सकते हो बिफोर और एट टाइम ऑफ़ सप्लाई और सिक्स मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ़ रिमूवल इज़ अर्लियर आपको यहाँ पे ध्यान देना है आपके पास दो डेट्स आएंगी आपको इन दोनों डेट्स को कंपेयर करना है जो भी पहली डेट होगी आप उस दिन को टैक्स इन इशू करोगे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो मिस्टर एक्स है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो वाई को गुड्स बेचता है ऑन फोर्थ जनवरी 2020 ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। दैट मिस्टर जब ट्वेंटी को गुड्स सप्लाई कर रहा है तो एक कंडीशन है कि या तो अगर वाई को अप्रूव कर दिया उसने गुड्स तो मिस्टर एक्स फर्दर गुड्स सप्लाई करेगा और अगर वाई ने अप्रूव नहीं करे तो मिस्टर एक्स गुड्स को रिमूव कर लेगा मिस्टर वाई ने अपनी अप्रूवल दी 14 जनवरी को तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस दिन इनवाइस इश्यू होगी अब हमारी यहाँ पे सिचुएशन है आपका पहली डेट हो जाएगी डेट ऑफ अप्रूवल इज टेकन एज अ टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन उसने अप्रूव करा मिस्टर वाई ने तभी मिस्टर एक्स आगे कुछ सप्लाई करेगा सो so, डेट ऑफ अप्रूवल विल बी कंसिडर एज डेट ऑफ सप्लाई तो हमारे पास एक डेट हो गई फोर्टीन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कि आपने गुड्स कब भेजे थे मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स ने गुड भेजे थे फोर्थ जनवरी 2020 तो हम फोर्थ जनवरी से सिक्स मंथ्स देखेंगे जो हमारे होते हैं थर्ड जुलाई 2020 को तब तो हमारे पास दो डेट्स हैं फोर्टीन जनवरी 2020 एंड थर्ड जुलाई 2020 हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो भी अर्लियर डेट होगी हम उस दिन टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो हमारे इस केस में 14 जनवरी इज अ अर्लियर डेट सो इनवॉइस विल बी इशूड ऑन 14th जनवरी so 2020 अब हम बात करते हैं सर्विसेज की पहली सर्विस आती है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई टैक्सेबल सर्विस जैसा कि हमने कुर्स में बात करा था अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करता है तो हम उसकी कंडीशंस देखेंगे कि वो इन वॉइस इशू कर सकता है सेकंड हम देखेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस जैसा कि हमने अभी गुड्स के केस में भी सीखा है अब यहाँ पे सर्विस उसे हो जाएंगी सर्विसेज जो कंटीन्यूअस बेसिस पे और रेकरिंग बेसिस पे सप्लाई होती हैं थ्रू सप्लायर उसको हम कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं लेकिन आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है कि मिनिमम 3 मंथ्स के लिए सप्लायर को सर्विस देगा तभी उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे अगर सप्लायर ने तीन महीने से कम की सर्विस दी है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई यहां पे वो कह रहा है कि अगर सप्लायर और रिसिपिय का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सप्लायर रेसिपिएंट को कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस देगा लेकिन ड्यू टू एनी रीजन ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट और आइदर ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर अगर सप्लायर सप्लाई नहीं दे पाता और बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसको हम सिजेशन बोलते हैं तो हम लास्ट पढ़ेंगे सिजेशन की ऐसी कंडीशंस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है पहला हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करनी है या तो पहले दैट मीन सप्लाई ऑफ सर्विस से पहले वो टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है या फिर सर्विसेज देने के बाद भी वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है लेकिन कंडीशन है सर्विस देने के 30 डेज के अंदर अंदर उसको टैक्स एनवाइस इशू करनी है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो मिस्टर ए चार्टेड अकाउंटेंट है और वो मिस्टर बी की टैक्स रिटर्न फाइल करता है मिस्टर ए ने मिस्टर बी की टैक्स रिटर्न फर्स्ट जनवरी 2020 को फाइल करी या फिर हम कहते हैं फर्स्ट जुलाई 2020 को फाइल करी तो यहाँ पर मिस्टर ए फर्स्ट जुलाई 2020 से पहले टैक्स इन्वाइस इशू कर सकता है दैट मीन्स थर्टीए जून को भी टैक्स एनवाइस इशू कर सकता है या फिर अगर उसने फर्स्ट जुलाई को रिटर्न करी रिटर्न भरी है तो फर्स्ट जुलाई से वन मंथ विच कम्स टू बी एंड ऑन थर्टी जुलाई उसको थर्टीएथ जुलाई से पहले टैक्स एनवाइस इशू करनी है लेकिन अगर एक इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी या एन किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है That means, अगर इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफ सप्लायर है तो उनको 45 फाइव डेज का टाइम मिलता है टू इशू द इन विच मीन्स कि जब भी वो कोई सर्विस देंगे या तो उससे पहले इन्वाइस इश्यू कर सकते हैं या फिर सर्विस देने के 45 फाइव डेज के अंदर अंदर उनको टैक्स इन्वाइस इशू करनी है नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूस सप्लायर सर्विस जैसा कि हमने अभी देखा है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है अगर कोई सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसिपियंट को कंटिन्यूसली सर्विस देता है बट कंडीशन क्या है कि मिनिमम थ्री मंथ्स के लिए उसे सर्विस देनी है तो जब भी एक सप्लायर रिसपियंट को कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विस देगा तो उसमें तीन कंडीशन आती हैं पहला वेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ड्यू डेट फिक्सड है कि एक ड्यू डेट मिल गई है इस ड्यू डेट को रिसिपिय सप्लायर को पेमेंट करेगा तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप आप इशू करोगे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं सपोज करो मिस्टर ए सी ए है वो मिस्टर बी को रेगुलर बेसिस पे उसके अकाउंट्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेन मंथ्स का और अमाउंट फिक्स हुआ है लेट से रूपीज वन लैख का और यहाँ पे डेट फिक्स हो गई है कि फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ ऑफ ऑफ सर्विस सर्विस विल गिव द द अमाउंट टू सप्लायर रिस मिस्टर ए जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसको फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ को पैसे मिल जाएंगे तो इस केस में जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो अपनी इनवाइस का भी इशू करेगा

लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं हुई यहाँ पर आप प्रियडिकल रिसिपियंट सप्लायर को प्रियडिकल पेमेंट करेगा हर महीने पेमेंट करेगा लेकिन कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं हुई अगर ऐसा केस आता है तो यहां पर आएगा बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव पेमेंट। अगर हम लास्ट एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो मिस्टर बी को कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विस दे रहा है तो यहां पे उन दोनों का टेन मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि टेन मंथ्स तक मिस्टर ए जो चार्टेड अकाउंटेंट है मिस्टर बी को सर्विस देगा और डेट डिसाइड नहीं हुई कब देगा तो जिस भी दिन मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे आएंगे उस दिन वो इनवॉइस इश्यू कर सकता है एंड लास्ट इज वेर पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट अगर ये कंडीशन है कि जब भी सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी उसके बाद ही पेमेंट मिलेगी तो देन सप्लायर विल इशू द इनवॉय ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई करेगा सर्विस लेकिन मिस्टर बी उसको पेमेंट तभी देगा जब उसने सर्विस दे दी होगी तो इस कंडीशन में मिस्टर ए जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो या तो जिस दिन इवेंट हो गया उससे पहले या उस दिन इन्वाइस इशू करेगा यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मिस्टर ए एक डांसर है मिस्टर ए और मिस्टर बी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कंटिन्यूस बेसिस पे दैट मीन्स हर मंथ या हर पीरियोडिकली उनके इवेंट में परफॉर्म करेगा प्लस ये भी कंडीशन होती है कि जब परफॉर्मेंस हो जाएगी उसी के बाद पेमेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में जिस भी बार वो परफॉर्मेंस फर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो जैसे ही फर्स्ट परफॉर्मेंस होगी तो वो फर्स्ट टैक्स एनवाइस इशू कर सकता है जिस भी डेट को परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस दे के उस दिन वो टैक्स इश्यू कर सकता है या उससे पहले सिमिलरली जब वो सेकेंड परफॉर्मेंस देगा तो याद तो जिस दिन सेकेंड परफॉर्मेंस दिया उस दिन या उससे पहले वो टैक्स इशू कर सकता है एंड सो ऑन लास्ट आता है हमारा सीजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई यहाँ पर टैक्स एंड वॉइस का इशू होगी उसको देखते हैं

अकाउंट्स फिल करे हैं या लास्ट अकाउंट्स की एंट्री करी है उस दिन हम उसको मानेंगे सीजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया उस दिन मिस्टर ए टैक्स इनवॉइस इशू करेगा फॉर फाइव मंथ्स ओनली कि उसने फाइव मंथ्स तक काम करा है तो फाइव मंथ्स की टैक्स इनवॉइस इशू करेगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वन लैख का विच मींस टेन थाउजेंड पर मंथ तो वो फाइव मंथ्स के हिसाब से फिफ्टी थाउजेंड की टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है with this we come to an end of today's lectures in the next lecture we will be discussing about few more concepts about text and voice for further reference you can refer my book introduction to text thank you